मुरादाबाद के कटघर क्षेत्र में लाखों रुपए की प्रतिबंधित नशीली दवाइयों का जखीरा पकड़े जाने से हड़कंप मच गया। औषधि विभाग की टीम ने पुलिस के साथ मिलकर दवाओं को जब्त करते हुए एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है। कटघर क्षेत्र के गोविंद नगर की गली नंबर 1 में बने एक गोदाम पर पड़े छापे से इलाके में हड़कंप मच गया। औषधि विभाग की टीम ने थाना पुलिस को साथ लेकर सूत्रों के आधार पर जब गली नंबर 1 में रहने वाले जसवीर सिंह के घर में बने दवाइयों के गोदाम पर छापा मारा तो टीम की उस समय हवाइयां उड़ गईं जब गोदाम में भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयों का जखीरा मौजूद मिला। जांच टीम के अनुसार तो कुछ दवाइयां अपने पास रखना ही गैरकानूनी है। जांच टीम ने घंटों की चेकिंग के बाद लगभग 5 लाख रुपए की प्रतिबंधित नशीली दवाइयों का जखीरा एक साथ सील करते हुए जब्त कर लिया है। औषधि विभाग द्वारा की गई ऐसी दूसरी छापेमारी है जिसमें इतनी भारी मात्रा में नशीली दवाइयां पकड़ी गई हैं। इससे पूर्व थाना सिविल लाइन क्षेत्र स्थित पाशा मेडिकल स्टोर से भी बड़ी संख्या में दवाइयां पकड़ी जा चुकी हैं। पकड़ा गया है सामान, क्या क्या है, कितने का होगा? ये सारी की सारी नशे के प्रयोग में आने वाली औषधियाँ हैं, लगभग 5 लाख कीमत की हैं और काफ़ी भारी मात्रा में ये बरामद भी हुई है, जिसमें अगर जो एल्प्रोजराम की 6000 गोलियाँ हैं और आपका 23-24 हज़ार कैप्सूल जो है ट्रेमाडोल हाइड्रोक्लोराइड के हैं और 1296 बोटलें कोडीन की बरामद हुई हैं। कहाँ से हुई हैं और कोई व्यक्ति का गिरफ्तार तो है? हाँ, इसमें जसवीर सिंह नामक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है जो कि गली नंबर 1 गोविंद नगर से ये घर से बरामदगी हुई है, जो कि नशे के आदि लोगों को ये विक्रय करता था। ये घर से संचालन होता था या कोई मेडिकल है? इसने दिखावे के लिए एक मेडिकल स्टोर खोल रखा है गुलाल गली में, सिंगल मेडिकल के नाम से। अच्छा, और ये घर से ही संचालित करता था नशे का कारोबार। व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है? व्यक्ति गिरफ्तार हो गया।